हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साईं खुशी क्रिएशंस। तो आज के वीडियो में मैं आपको एकदम सरल सरस्वती माता की बसंत पंचमी की पूजा सिखाने वाली हूँ कि बसंत पंचमी की पूजा विधि क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अगर रंगोली बनाना जानते हो तो ये सरस्वती पदम की रंगोली ज़रूर बनाएं। ये सरस्वती माता को अति प्रिय है। अगर आप ऐसे ना बना पाए तो आप कागज़ पे बना के भी इसे पूजा में रख सकते हैं। इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए, मैं माता की वीणा बना रही हूँ, माता की माला बना रही हूँ और पुस्तक यानी कि ग्रंथ बना रही हूँ। विद्यार्थी बसंत पंचमी की पूजा जरूर से करें। जो जो सामान आपको मिल जाए उन सामानों से आप पूजा कर सकते हैं। तो ये देखिए, वीणा बना लेंगे, ग्रंथ बना लेंगे एवं माला बना लेंगे। अगर आप बनाना चाहते हैं और अगर आपको बनाना आता है तो आप बना सकते हैं रंगोली कलर से या फिर वाटर कलर से भी। इसके बाद हम हमारा पूजन शुरू करते हैं। तो पाटे पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। अब चावलों पर सुपारी या फिर गणपति जी की स्थापना करें, उन्हें चंदन लगाएं, रोली लगाएं, चावल चढ़ाएं, मोली चढ़ाएं, इत्र लगाएं, फूल और दुर्वा चढ़ाएं। तो ये देखिए, अब हम माता सरस्वती का पूजन करेंगे। माता की मूर्ति, फोटो जो भी आपको मिल रही है वो आप पूजा में रख सकते हैं। इसके बाद माता की मूर्ति हो तो चावलों पे बैठाएं, माता को चंदन जरूर लगाएं, उन्हें चंदन अति प्रिय है। उनकी वीणा पर, उनके वेद पर, माला पर, सभी पर हम चंदन लगाएंगे एवं रोली या फिर कुमकुम भी लगाएंगे। इसके बाद हम माता को पीले रंग की चुन्नी उड़ा रहे हैं। पीले रंग की ना हो तो आप लाल रंग की भी ले सकते हैं। इसके बाद हम माता को वस्त्र रूपी मोली अर्पित करेंगे, फोटो पर भी और मूर्ति पर भी। इत्र लगाएंगे। अब हम फूल चढ़ाएंगे। जो भी फूल आपके पास अवेलेबल हो, एक हो, 10 हो, जितने भी हो उतने फूल आप माता को चढ़ा सकते हैं। कोशिश करके आप सफ़ेद या फिर पीले रंग के फूल लें, और अगर ये दोनों रंग के ना मिले तो कोई से भी जो भी फूल आपको मिल रहे हैं वो फूल आप ले सकते हैं। इसके बाद आप अपनी किताबों का भी पूजन ज़रूर से करें। जो भी आपकी किताबें हों, जो भी आपकी पुस्तकें हों, उनका आप पूजन करें। आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, आपका कोई ज्ञान से रिलेटेड काम है, आप कोई टीचर है, तो आप अपनी पुस्तकों का पूजन जरूर से करें। अगर आप म्यूजिशियन हैं तो आपके जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिस किताब में आप लिखते होंगे उन किताबों का पूजन करें। अगर आप डांसर हैं तो आप अपने घुंघरुओं का पूजन करें। अगर आप नॉर्मल, मतलब अगर आप हाउसवाइफ हैं या आप घर में रहते हैं, तो आप जो भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं उस धार्मिक ग्रंथ की आप पूजा कर सकते हैं। अब सभी किताबों का पूजन करना तो पॉसिबल नहीं है, तो जो आप डेली रूटीन में पढ़ते हैं या फिर मतलब जो आप पढ़ते, मतलब एक दो बार जो आपने पढ़ी हुई है वो किताब आप अपनी पूजा में रख सकते हैं। बट ग्रंथों का यानी पुस्तकों का पूजन आप ज़रूर से करें, उनमें फूल रखें और फूल चढ़ाएं। इसके बाद आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। कई लोगों का काम, ज्ञान से रिलेटेड काम ऑनलाइन ही होता है, तो आप फ़ोन या फिर लैपटॉप का भी पूजन ज़रूर से करें। अब हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का भी पूजन कर रहे हैं। हमारा जीवन हमेशा संगीत की तरह मधुर बना रहे, इसलिए हम इनका पूजन करते हैं। तो जो भी आपके घर में हो उनका आप पूजन करें। घंटी तो सबके घर में होती ही है, तो आप सिर्फ घंटी का भी पूजन कर सकते हैं, मंजीरों का पूजन कर सकते हैं। इसके बाद ये देखिए, हम जाप माला का भी पूजन करेंगे। अगर आप नॉर्मली जाप नहीं करते हैं अभी तक, तो आप बसंत पंचमी से शुरू कर सकते हैं। जिस भी गुरु का, जरूरी नहीं है आप सरस्वती माता का मंत्र जाप ही करें, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जैसे हरे कृष्णा, हरे राम, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो जाप माला को भी चंदन डोली लगाकर, फूल चढ़ाकर माता को श्रृंगार का सामान जरूर से चढ़ाएं। इसके बाद सभी को धूप दिखाएंगे, दीपक का भी पूजन करेंगे, दीपक को भी फूल चढ़ाएंगे, रोली चावल लगाएंगे और अब हम दीप प्रज्वलित करेंगे। अगर आप 16 श्रृंगार नहीं चढ़ा पा रहे हैं तो आप माता को सिर्फ चूड़ी, बिंदी, सिंदूर और मेहंदी चढ़ा सकते हैं। ये देखिए, हमने दीपक भी प्रज्वलित कर दिया। अब हम माता को भोग प्रसाद अर्पित करेंगे, तो जल चढ़ाएंगे, मीठे चावलों का प्रसाद आप ज़रूर से लगाएं, मेवे। अब या तो आप लड्डू लें या फिर बूंदी लें, कोशिश करके बूंदी लें या फिर लड्डू भी लिए जा सकते हैं। बेर का फल ज़रूर चढ़ाएं अगर आपको मार्केट में मिल जाते हैं। अगर बेर ना मिले तो जो फल मिले वो फल आप चढ़ा सकते हैं। दही चिवड़े का भी भोग माता को ज़रूर लगाएं, वो भी माता को बहुत प्रिय है। दही चिवड़ा यानी जो पोहे वाला चिवड़ा होता है उसमें आप दही मिला दें। तो ये देखिए, हमारी पूजा कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आप बसंत पंचमी की कथा करें और माता की आरती करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।